में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनावी क्षेत्रों में जाकर आभार सभाएं करने जा रहे हैं। बाकायदा इसके लिए सत्ता और संगठन के समन्वय से 28 विधानसभा सीटों पर कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। देखते हैं इसी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन क्षेत्रों में आभार सभाएं करने जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से जल्द ही आभार सभा का कार्यक्रम तय किया जाएगा। इस दौरान 20 दिनों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का आभार व्यक्त करने जाएंगे जहां उपचुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री यहां जनता जनार्दन से संवाद भी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सांची विधानसभा से हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आभार सभाओं में संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित विधायक और हारे हुए प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता का मान रखना, उसका सम्मान करना, उसका आभार करना, ये मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस चीज को अपनाया है। उन सीटों पर जिन सीटों पर हमें जनता का आशीर्वाद मिला और जिस पे हम विजय प्राप्त हुए वहाँ की भी जनता का आभार, जहाँ पर हमको विजय प्राप्त नहीं हो पाई कुछ मतों से अगर हम वहाँ रह गए उस जनता का भी आभार। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सभी जगह 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता का आभार मानेंगे और जो वादे हमने किए हैं चुनाव के समय, चाहे वहाँ विजयी हुई हो चाहे पराजय हुई हो, हम इस चश्मे से नहीं देखते। मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है और हम सबके वादे पूरे करने वाले, सबका आभार मानने वाले। बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों पर 2023 की रणनीति बनाने में भी जुटी है। रणनीति तैयार की जा रही है कि जहां बीजेपी के विधायक जीते हैं वहां तो विकास के काम होंगे ही, जहां हार का सामना करना पड़ा है वहां भी सरकार विकास कार्यों में कमी नहीं आने देगी। इसका आश्वासन जनता को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। बीजेपी उपचुनाव में हारी सीटों पर 2023 में कब्जा जमाने की तैयारी में है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। उसका कहना है कि शिवराज सभी 28 सीटों का दौरा करें, लेकिन वो चित्रकूट, मुंगावली और कोलारस की तरह केवल सपने न दिखाएं। जाना चाहिए और आभार के साथ साथ जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं करी हैं, उनका सही प्रारूप या उनको किस तरीके से मूर्त रूप में लेके आएंगे, इसके कुछ दस्तावेज, कुछ सबूत लेके जाना चाहिए। क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान जी की शैली है, घोषणा करो और आगे बढ़ो, चित्रकूट मिनी स्मार्ट सिटी, पहले कोलारस मुंगावली के लिए बहुत सारे वादे, वो उस समय उन्होंने कुछ नहीं किए। तो अब सवाल है कि यहाँ भी आपने चुनाव में वादे बहुत सारे करे थे, किसानों के लिए कहा था कि हम आपके लिए बहुत सारी चीजें, नई स्कीम लाए हैं, कुछ पैसा उनके लिए कर्जा माफ करने की भी बातें थी और कई घोषणाएं थी, पर धरातल पे कुछ नहीं है। जो घोषणाएं करी हैं उनको धरातल पे लेके आए ज्यादा उचित होगा। बहरहाल एक तरफ कांग्रेस हार की समीक्षा से उबर नहीं पाई और संगठन में बदलाव को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इन सब के बीच शिवराज अपनी आभार सभा से एक तीर से दो निशाने लगाते नजर आएंगे। 2023 के लिए हारी हुई सीटों पर काम तो शुरू होगा ही, साथ में निकाय चुनाव को लेकर भी शिवराज जनता की नब्ज टटोलते नजर आएंगे। देखना ये है कि उनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।